जब उसके पिता और भाइयों की हत्या हो गई तो उस टाइम पीरियड में तिलु रौतेली मात्र 15 वर्ष की उम्र में थी। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष रावत है, मैं पीआर के स्टडी पॉइंट में एक सीनियर फैकल्टी हूँ। दोस्तों, हम चंद वंश पढ़ रहे थे। चंद वंश में हमने जो 49वां शासक था त्रिमल चंद तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम 50वां शासक, जिसका नाम था बाज बहादुर चंद। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो बाज बहादुर चंद था, एक तो 50वें नंबर का शासक था और उसका टाइम पीरियड था 1638 से 1678 तक। दोस्तों, ये आपको यहाँ पर एक तो इन शासकों के ऑर्डर याद करने हैं, उसके अलावा उनका टाइम पीरियड भी याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑर्डर और टाइम पीरियड को रिगार्डिंग, कि मतलब कोई नंबर दे दिया जाएगा, इस नंबर का चंद शासक कौन था या इस चंद शासक का टाइम पीरियड कितना था, तो आपको इसमें दोनों चीज़ याद करनी है। तो दोस्तों, बाज बहादुर चंद को पढ़ने से पहले हम कुछ दिल्ली का जो मुगल वंश चल रहा था उसको देखते हैं। ये वो दौर था जब जो बाज बहादुर चंद था इसके समकालीन था शाहजहां, और शाहजहां जो था इसके चार बेटे थे। पहला है औरंगजेब, दूसरा है दारा शिकोह, तीसरा है मुराद, चौथा है शाह सुजा। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब एक बार क्या होता है, शाहजहां का जो राज्याभिषेक हो रहा होता है, तो शाहजहां सारे जो छोटे शासक थे उनको न्योता भेजता है कि वो वहां पर शामिल हो। तो इसी तरह से गढ़वाल के शासक को भी न्योता भेजा जाता है। तो कहा जाता है उस टाइम पर जो गढ़वाल का शासक था वो महीपति शाह था। तो महीपति शाह गढ़वाल का शासक था उस टाइम पीरियड में, और महीपति शाह ने शाहजहां के कार्यकाल में या शाहजहां के दरबार में जाने के लिए मना कर दिया, वो वहां पर नहीं किया। तो शाहजहां इस बात से क्रोधित हो गया कि इतने बड़े साम्राज्य के शासक के बुलाने के बावजूद एक छोटी सी रियासत का शासक वहां पर नहीं जाता है। तो वो शाहजहां जो है वो महीपति शाह के तरफ या उसके खिलाफ द्वेष की भावना रखने लगा। तो इसी भावना के तहत जब महीपति शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसका अल्पवयस्क बेटा पृथ्वीपति शाह शासक बनता है। पृथ्वीपति शाह अल्पवयस्क था, छोटा था, अपने साम्राज्य को नहीं चला सकता था, इसलिए उसकी माँ कर्णावती संरक्षिका के रूप में साम्राज्य को देखने लगती है। तो जब ये बात शाहजहां को पता चलती है कि वहाँ पर एक अल्पवयस्क शासक है और शासन को एक महिला चला रही है, तो वो वहाँ पर आक्रमण करता है। इस आक्रमण में जो शाहजहां था, शाहजहां और उसका साथ देता है बाज बहादुर चंद, और ये लोग जीत जाते हैं और गढ़वाल के जो कुछ दक्षिणी हिस्से थे उन पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो शाहजहां था उसके बाज बहादुर चंद के साथ अच्छे संबंध थे। अगर मैं बाज बहादुर चंद की बात करूँ तो बाज बहादुर चंद जो था उसका मूल नाम बाजा था वैसे, तो इसको बहादुर और जमींदार की उपाधि शाहजहां द्वारा दी गई। क्यों? क्योंकि इसने गढ़वाल के युद्ध को जीतने के लिए शाहजहां का साथ दिया था। उसके अलावा दोस्तों, एक और कहानी है कि जो बाज बहादुर चंद या चंद वंशों के पास 84 माल परगना, इसको हमने पहले भी पढ़ा है। ये हमने पढ़ा था रुद्रचंद के टाइम पीरियड में कि रुद्रचंद को यह वाला परगना अकबर ने दिया था, तो तब से उनके पास ये परगना चला आ रहा था। तो इस परगने पर जो इन कुमाऊं के निचले हिस्से में एक रियासत थी जिसको कहा जाता था कटेहरी रियासत, तो इस परगने पर कटेहरी शासकों द्वारा आक्रमण किया गया और उसे अपने अधीन ले लिया गया। तो बाज बहादुर चंद इस परगने को वापस लेने के लिए शाहजहां के दरबार में जाता है। अब क्योंकि जैसे इसके हम पहले पूर्वज देखें तो उनकी जैसे खासियत थी कि वो दरबार में कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाते थे, तो वैसे ही बाज बहादुर चंद भी शाहजहां के लिए बहुत सारी भेंटें लेकर कर गया, जैसे सोना चांदी, उसके अलावा कस्तूरी खालें, कुछ जड़ी बूटियाँ, तो वो लेकर के वहाँ पर गया। तो शाहजहां ने क्या किया कि एक तो इसे जमींदार की उपाधि दे दी, उसके अलावा जो ये 84 माल परगना था वापस से बाज बहादुर चंद को दे दिया। दोस्तों, जब शाहजहां बुजुर्ग हो जाता है तो उसके साम्राज्य में एक भ्रांति फैलती है कि शाहजहां की मृत्यु हो चुकी है। तो ये जो औरंगजेब था ये उस टाइम पर दक्षिण भारत में था। अगर मैं औरंगजेब और शाहजहां के रिश्ते की बात करूँ तो इनके बीच में कभी भी अच्छा रिश्ता नहीं था, ये हमेशा
जो औरंगजेब था वो शाहजहाँ से बैर रखता था, इसीलिए शाहजहाँ द्वारा हमेशा औरंगजेब को दक्षिण भारत का प्रशासक नियुक्त किया गया था। तो जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है तो दक्षिण भारत से उत्तर की भारत की तरफ आता है और उत्तर भारत में आकर के वो दारा शिकोह से युद्ध करता है, क्योंकि अगर इसके चारों बेटों में से देखें तो दारा शिकोह जो था वो सबसे योग्य व्यक्ति था, उसे ही राजा बनना था। और जो शाहजहाँ था वो भी यही चाहता था कि उसका जो वारिस जो राजा बने वो दारा शिकोह बने। तो क्या होता है कि यहाँ के इसके बाद ये तीनों लोग मिल जाते हैं, मतलब कि औरंगजेब, मुराद, शाहजहाँ, तीनों लोग एक सेना में शामिल हो जाते हैं और दारा शिकोह के विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं। तो इस युद्ध में दारा शिकोह हार जाता है। तो वो युद्ध, ये दौर था 1658 का, 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में उत्तराधिकार के दो युद्ध हुए थे। उसमें पहला था धर्मट, दूसरा युद्ध हुआ था सामूगढ़ का युद्ध, और दोनों के दोनों युद्ध औरंगजेब जीत गया था। तो जब औरंगजेब युद्ध जीत गया तो उसके बाद जो दारा शिकोह था, दारा शिकोह का जो बेटा था, बेटे का नाम था सुलेमान शिकोह, सुलेमान शिकोह। तो ये दारा शिकोह सुलेमान शिकोह को कहता है कि वो मुग़ल साम्राज्य से भाग जाए। तो जो ये सुलेमान शिकोह है ये भाग करके सबसे पहले बाज बहादुर चंद के दरबार में आता है। अब आपको पता है, हमने पहले जैसे पढ़ ली है कि भाई शाहजहाँ और बाज बहादुर चंद के बीच में अच्छे रिश्ते थे। तो जो बाज बहादुर चंद था वो उन रिश्तों को नहीं बिगाड़ना चाहता था। उसे पता था कि अगर उसने सुलेमान शिकोह को शरण दे दी तो उसके साम्राज्य में औरंगजेब जरूर आक्रमण करेगा, इसलिए उसने सुलेमान शिकोह को शरण देने से मना कर दिया। तो जब उसने मना कर दिया तो जो सुलेमान शिकोह है वो गढ़वाल की तरफ जाता है, और गढ़वाल का उस टाइम शासक होता है पृथ्वीपति शाह। तो पृथ्वीपति शाह इस सुलेमान शिकोह को अपने दरबार में शरण दे देता है। तो क्वेश्चन ये यहाँ पर बनता है कि भाई सुलेमान शिकोह सबसे पहले किसके यहाँ शरण मांगने गया था, तो बाज बहादुर चंद के यहाँ। किसने उसे शरण दी, तो पृथ्वीपति शाह ने उसे शरण दी। तो औरंगजेब जो पृथ्वीपति शाह है उसे बोलता है कि जो सुलेमान शिकोह जो उसके दरबार से भाग करके गया है उसे औरंगजेब को सौंप दे, लेकिन पृथ्वीपति शाह उसे देने से मना कर देता है। तो वापस अब बाज बहादुर चंद पर आएँ, तो औरंगजेब को शक होता है कि बाज बहादुर चंद के यहाँ सुलेमान शिकोह छुपा हुआ है। तो वो एक राजपूत व्यक्ति को बाज बहादुर चंद के दरबार में भेजता है कि वहाँ पर जाकर पता करे कि सुलेमान शिकोह वहाँ पर है या नहीं। तो उसे पता चलता है कि सुलेमान शिकोह वहाँ पर नहीं है। उसके बाद इनके बीच में अच्छे संबंध बन जाते हैं, जैसे कि शाहजहाँ और बाज बहादुर चंद के बीच में अच्छे संबंध थे, दोबारा से बाज बहादुर चंद और औरंगजेब के बीच में भी अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो जो औरंगजेब है उसने भारतीय इतिहास में एक कर लगाया था, वो था जजिया कर। फिर मुग़ल वंश आता है, मुग़ल वंश में अकबर ऐसा शासक होता है जो जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। अकबर के बाद जो औरंगजेब होता है, औरंगजेब जजिया कर को दोबारा से स्टार्ट कर देता है। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था, तो उसके बाद औरंगजेब ने जब जजिया कर दोबारा से स्टार्ट कर दिया तो बाज बहादुर चंद ने औरंगजेब की विश्वसनीयता को हासिल करने के लिए कुमाऊं में भी जजिया कर लगाया। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि किस चंद शासक ने कुमाऊं की जनता पर जजिया कर लगाया, तो वो है बाज बहादुर चंद। जबकि अगर हम देखें तो बाज बहादुर चंद भी खुद एक हिंदू व्यक्ति था, उसके बावजूद इसने जजिया कर लगाया। उसके अलावा इसने एक और कर लगाया, वो था मांगा कर। मांगा कर उसने जनता पर धार्मिक कार्यों के लिए लगाया। दोस्तों अगर बात करूं बाज बहादुर चंद की, तो बाज बहादुर चंद स्वयं को नारायण का रूप मानता था, नारायण मतलब भगवान विष्णु का रूप मानता था। उसके अलावा इसने अपने नाम से एक अन्य नगर बसाया जिसका नाम था बाजपुर, जो कि वर्तमान में हम देखते हैं उधम सिंह नगर में स्थित है। उसके अलावा ये अगर हम देखें, ये तो ये उसका एक नेगेटिव पॉइंट था कि उसने धर्म के आधार पर हिंदू लोगों पर जजिया कर लगाया। तो उसके अलावा अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसी के साम्राज्य से होते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा निकलती थी। तो कहा जाता है कि जब वो वहाँ पर तिब्बत के आसपास जाते थे तो वहाँ पर एक रियासत थी जिसका नाम था तकलाकोट। तो
इस तकला कोट रियासत के शासक उन यात्रियों को परेशान करते थे। तो बाज बहादुर चंद ने तकला कोट रियासत पर आक्रमण किया और वहां पर उन पर टैक्स लगाया और उससे उनसे वचन लिया कि अब वो कैलाश मानसरोवर के यात्रियों को परेशान नहीं करेंगे। उसके अलावा इसने कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के लिए गूढ़ भूमि की व्यवस्था की। अब गूढ़ भूमि का मतलब होता है ऐसी भूमि जो धर्मार्थ के कार्य के लिए दी जाए, तो मतलब उसने उनको गूढ़ भूमि प्रदान की। इसके अलावा दोस्तों बाज बहादुर चंद के द्वारा जो अगर मैं पूरे के पूरे कुमाऊँ या चंद वंश की बात करूं तो उनके जो सबसे प्रमुख स्थानीय देवता थे वो गोलू देवता थे, ठीक है। तो इन बाज बहादुर चंद के द्वारा गोलू देवता का एक मंदिर बनाया गया जो कि घोड़ाखाल में बनाया गया। घोड़ाखाल नैनीताल जनपद में स्थित है। उसके अलावा बाज बहादुर चंद के द्वारा भोटिया या मैं तिब्बती कहूँ इन पर एक कर लगाया गया जिसका नाम था सिड़ती कर। जो सिड़ती कर था वो एक प्रकार का व्यापार कर था, क्योंकि भोटिया और तिब्बत लोग यहाँ पर आकर के व्यापार करते थे, तो बाज बहादुर चंद ने उस पर सिड़ती नामक कर लगा दिया। और जो ये कर था ये नगद की फॉर्म में देना पड़ता था, मतलब कैश के फॉर्म में उन्हें राजा या जो भी कर लेता था उसको देना पड़ता था। उसके अलावा उसने एक और मंदिर बनाया जिसका नाम था एक हथिया देवाल। जो एक हथिया देवाल है वो पिथौरागढ़ में स्थित है और एक हथिया देवाल की तरह एक अन्य मंदिर है जो है एक हथिया नौला, तो वो ध्यान रखना दोस्तों वो चंपावत में है जबकि एक हथिया देवाल वो पिथौरागढ़ में स्थित है। उसके अलावा इसने जो इनका राजमहल था मल्ला महल जो कि हमने देखा था कि रुद्रचंद द्वारा बनाया गया था, तो इसने मल्ला महल में नंदा देवी की मूर्ति भी स्थापित करवाई। उसके अलावा दोस्तों बाज बहादुर चंद के बारे में कहा जाता है इसने कुछ प्रयास किए थे कि बेगार प्रथा पर रोक लगा दी जाए। इसने यहाँ पर कहा कि कोई भी व्यक्ति एक दिन से अधिक बेगार नहीं देगा, तो मतलब इसने एक कोशिश की थी कि बेगार प्रथा को बंद कर दिया जाए। उसके अलावा इसके साम्राज्य में एक व्यक्ति था जिसका नाम था काशीनाथ अधिकारी। ये इसके साम्राज्य में एक प्रशासनिक पद पर आसीन था, तो काशीनाथ अधिकारी जो इसके साम्राज्य में था इसी के द्वारा वर्तमान के काशीपुर नगर की स्थापना की गई जो कि वर्तमान में हम देखते हैं कि उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। तो ये तो उसके प्रमुख कार्य थे दोस्तों। बाज बहादुर चंद था इसने बहुत लंबे समय तक शासन किया। अगर हम पूरे चंद वंश की बात करें, जैसे एक शासक हमने पढ़ लिए है जिसने पूरे चंद वंश में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राज किया, तो वो था गरुड़ ज्ञानचंद। अब उसके बाद जो दूसरे नंबर का लंबे समय तक शासन करने वाला व्यक्ति है वो है बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद का जब लास्ट टाइम पीरियड चल रहा था तो इसके टाइम पीरियड में एक तो इसके पुत्र जिसका नाम था उद्योगचंद ने विद्रोह कर दिया। उसके अलावा इसने लास्ट टाइम पर जनता पर अनावश्यक रूप से कर लगाने स्टार्ट कर दिए, इसीलिए बाज बहादुर चंद को बूढ़ा अत्याचारी शासक कहा गया है। तो ये उसके काल की दो अन्य घटनाएं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी कि बाज बहादुर चंद ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक गढ़ पर आक्रमण किया जिसका नाम था मनीलागढ़। अब इस मनीलागढ़ में जो व्यक्ति रहते थे वो थे कत्यूरी शासक। दोस्तों इससे पहले हमने कत्यूरी वंश पढ़ा है, तो कत्यूरी शासक पूरी तरह से समाप्त नहीं थे, कहीं ना कहीं किसी छोटी रियासत में वो अपना अस्तित्व बचाए रखे थे। तो ये मनीलागढ़ में कत्यूरी शासक रहते थे। अब अगर मैं मनीलागढ़ की बात करूं तो ये मनीलागढ़ अल्मोड़ा और पौड़ी इनकी सीमा पर पड़ता था। तो जब बाज बहादुर चंद ने मनीलागढ़ पर आक्रमण किया तो मनीलागढ़ के जो कत्यूरी लोग थे वो वापस कुमाऊँ की तरफ तो नहीं भाग सकते थे, तो गढ़वाल की तरफ भागना स्टार्ट किया। तो गढ़वाल की तरफ जब उन्होंने पौड़ी की तरफ भागना स्टार्ट किया तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे जो शासन करते थे जिनका नाम था गौला रावत भूप सिंह। इनके तीन संतानें थी जिसमें से पहले का नाम भगतू, दूसरे का नाम पथ्या और तीसरे का नाम तिलू रौतेली था। जो ये तिलू रौतेली थी ये गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कही जाती है या झांसी की रानी कही जाती है। तिलू रौतेली का आपने वर्णन सुना होगा कि जो उत्तराखंड के जागर हैं उनमें तिलू रौतेली का वर्णन जरूर मिलता है। तो
तो जब जो मनीलागढ़ के कत्यूरी शासक थे वो गौला रावत की सीमा के अंदर घुस आए थे, तो गौला रावत ने पहले तो उनके साथ युद्ध किया और उसके बाद दोनों पुत्रों ने भी उनके साथ युद्ध किया। तो इस युद्ध में ये तीनों व्यक्ति मारे जाते हैं, मतलब कि तीलू रौतेली के दोनों भाई और तीलू रौतेली के जो पिता थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब तीलू रौतेली की बात करें तो इनके पिता का नाम गौला रावत भूप सिंह था, उसके अलावा इनकी माता का नाम मैणा देवी था। तीलू रौतेली की एक घोड़ी भी थी जिसका नाम बिंदुली था। कहा जाता है इस घोड़ी की मृत्यु भी इसी युद्ध के दौरान हुई थी, मतलब जब वो कत्यूरी शासकों के साथ युद्ध लड़ रही थी। तो जब उसके पिता और भाइयों की हत्या हो गई तो उस टाइम पीरियड में तीलू रौतेली मात्र 15 वर्ष की उम्र में थी। तो तीलू रौतेली ने साम्राज्य में दोबारा से सेना एकत्रित की और कत्यूरी शासकों के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में बिंदुली जो कि उसकी घोड़ी थी उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों कि ये लंबा युद्ध चलता रहा, उसके बाद जो कत्यूरी शासक थे वो गढ़वाल की सीमा से भाग जाते हैं और तीलू रौतेली उस युद्ध में विजयी हो जाती है। तो जब वो युद्ध में विजयी हो गई तो उसके कुछ टाइम बाद कहा जाता है कि जो पूर्वी नयार नदी थी जो कि दूधातौली से निकलती है, तो पूर्वी नयार नदी के तट पर नहा रही थी और वहाँ पर एक कत्यूरी जो सैनिक है हम वो था। तो कत्यूरी सैनिक ने तीलू रौतेली को पहली बार वहाँ पर देखा तो उसे एहसास हुआ कि एकमात्र ये छोटी सी महिला जिसने कि उन्हें हरा दिया, तो वो इस बात से उसे बड़ी ग्लानी होती है। तो कहा गया कि तीलू रौतेली की पीछे से जाकर के उसने गर्दन काट दी थी और इस तरह से तीलू रौतेली की मृत्यु हो गई और उसके बाद की उसकी वो खुद भी आत्महत्या कर लेता है। उस व्यक्ति का नाम होता है रामू रजवार। और दोस्तों रजवार हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो रजवार है वो कत्यूरी शासकों की उपाधि थी, इनकी पैतृक उपाधि थी। उसके अलावा जो तीलू रौतेली है, जैसे कि शिवाजी जो थे जिन्होंने छापामार पद्धति या गोरिल्ला पद्धति का आविष्कार किया, उसी पद्धति पर तीलू रौतेली ने उन पर आक्रमण किया। कत्यूरियों को गोरिल्ला पद्धति के आधार पर तीलू रौतेली ने हराया था। तो दोस्तों ये था बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने बहुत सारे कार्य किए, उसके अलावा मुगलों के साथ भी इसके अच्छे संबंध रहे हैं। उसके अलावा आज के वीडियो में हमने जो तीलू रौतेली है इसको भी कवर कर लिया है। तो जो अगला शासक बनता है वो 51वें नंबर का बनता है, उद्योत चंद। तो उद्योत चंद को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास समझ में आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब करें।